अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? और जब हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो ये मैसेज हमेशा देने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव सोचना, अच्छी चीज़ें सोचना अपने लिए भी और दूसरों के लिए, ये ना समझना कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता और जो दूसरे कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है और मैं जो कर रहा हूँ वो इतना अच्छा नहीं है, अपना दूसरों से मुकाबला ना करना। इस चीज़ का मैसेज हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। जिस चीज़ के लिए दुआ की जाए और जिसके लिए मेहनत की जाए, अल्लाह सुबहानहु व ताला उसको हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए आसान बना देते हैं। सिर्फ मेहनत, कोशिश और दुआ, शर्तें और नियत अच्छी होनी चाहिए कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो अपनी बेहतरी के लिए भी और दूसरों की बेहतरी के लिए भी, और इससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। नाज़रीन, यहाँ पर हम आज से एक बहुत अहम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये जो यकीनन आपको पिछले सारे प्रोग्राम्स की तरह बहुत पसंद आएगी, जिसका ताल्लुक ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके दिमाग में उनके जो सोचने समझने का अंदाज़ होता है उसको, उनका जो लाशऊर होता है उसको हम किस तरह से रिप्रोग्राम कर सकते हैं, उनके दिमाग के अंदर जो बिलीव्स हैं, जो उनका सोचने का पैटर्न है, जिस अंदाज़ में वो सोचते हैं, जिस तरह से वो दूसरों को सोचते हुए देखते हैं और जो उनके दिमाग में नक्श हो जाता है, उन नक़ूश में अगर कोई मनफी नक़ूश बन रहे हैं और आगे जाके उनकी ज़िंदगी में वो मुश्किलात पैदा करेंगे, उनके आगे बढ़ने की राह में रुकावट बनेंगे, तो उस पर हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि वो बिलीव्स, वो सोचें या वो अकायद जो उनके दिमाग में पुख्ता हो जाते हैं, जो उनको आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, हम उनके दिमाग में ना इंस्टॉल करें। और अगर हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, अगर हमसे सुनी सुनाई बातों की वजह से वो उनके दिमाग में नक्श हो गए हैं, तो अब हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं पॉजिटिव सोचने के हवाले से और उन लिमिटिंग बिलीव से निकलने के लिए हम उनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं क्या, आखिर ये किस तरीके से बन जाते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, ये क्यों मिलते हैं और क्यों दिमाग के अंदर नक्श हो जाते हैं, कैसे ये हमारे पाँव की रुकावट बन जाते हैं, कैसे ज़िंदगी में ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और वो कौन सा रास्ता है कि जिससे हम ये जो रुकावटें हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिनको सामने देखकर हम घबरा जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या करना है और हम कहते हैं नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, तो ये इस सोच से बाहर कैसे आना है, इस पर आज हम बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगु होगी और बच्चों के हवाले से भी होगी, क्योंकि इंसान जो बन के बड़ा होता है वो बचपन में ही जो इर्द गिर्द के माहौल होते हैं, उसके जो रिश्ते होते हैं, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके दोस्त, असातिज़ा, वो सब मिलकर उसके दिमाग में कुछ नक्श बनाते हैं, यानी बचपन से आगाज़ होता है, पहले दिन से जब इंसान दुनिया में आता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, जो कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है, जो उसको कहा जा रहा होता है, जो उसको बताया जा रहा होता है, उसके बारे में, दुनिया के बारे में वही चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो हमने आज इनके ऊपर बात करनी है, आप भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, बहुत दिलचस्प प्रोग्राम होगा, बहुत कुछ सोचने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। आप कॉल कीजिए, हमारे साथ शरीक हो जाइए और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनकी अच्छी अच्छी सी बातें सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा नईम साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में शरीक होती हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव आपका जो भी साथ आप लेकर आती हैं, अपना शेयरिंग होती है। मैं चाहूँगी कि आज का जो ये प्रोग्राम है स्पेशली जिसमें हम लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर बात करें, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये लिमिटिंग बिलीव है क्या। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि लिमिटिंग बिलीव क्या है और इसको आसान अंदाज में कैसे समझा जा सकता है? लिमिटिंग बिलीफ एक बिलीफ है जो लिमिट करता है आपको जी, तो आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते, गोल्स अचीव नहीं हो सकते वो बिलीफ के साथ। बिल्कुल, नेगेटिव थॉट्स होते हैं माइंड में। बिल्कुल, तो वो जो थॉट्स हैं वो पेरेंट्स से आते हैं या बाद में ज़िंदगी में कोई फ्रेंड भी हो सकती है या हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है जो ये इंस्टॉल कर देता है ये बिलीफ आपके माइंड में, और आप उसको रियली बिलीव कर लेते हैं तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे चला जाता है जी। अच्छा, लिमिटिंग बिलीव्स की कुछ एग्जांपल्स अगर आप भी देना चाहें, जैसे जो मुझे समझ में आती हैं वो ये, एक तो लिमिटिंग बिलीव आसान सी जबान में अगर मैं कहूँ तो शायद ये है कि जो आपको लिमिट कर दे, महदूद कर दे उस जगह पर ना, और आपको आगे बढ़ने से डराए कि नहीं क्या हो जाएगा और पता नहीं ऐसा ना हो कि नुकसान कोई पहुँच जाए, और फिर इंसान कहते नहीं आई कान डू इट। तो आप कोई एग्जाम्पल्स अगर हमारे साथ शेयर करना पसंद करें कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो एक बच्चा है
تو وہ بائک رائڈ کر رہا ہے تو وہ گر جائے تو اس کو ڈر پڑ جائے کہ میں بائک کے اوپر نہیں اب میں کبھی بھی نہیں جا سکتا, مجھے ڈر ہو گیا ہے, میں میرے نیز وہ ہو جاتے ہیں, ہرٹ ہو جاتے ہیں. جی یعنی کچھ تو ایسے تجربات ہوتے ہیں نا, جیسے ہم کہیں گئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کسی پارک گئے, کہیں کہیں گھومنے گئے ہیں اور وہاں پر بچہ جو ہے وہ پانی میں گر گیا ہے, یا وہ اگر کسی چیز کو کسی سوئنگ پر تھا اور وہ نیچے گر گیا, چوٹ اس کے لگ گئی, تو اس کا دماغ خود بخود اس چیز کو اپنے اندر ایک میموری میں یہ چیز سیو ہو جائے گی اور پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دماغ اسے میسج دے گا کہ اس سے گرا جا سکتا ہے. اچھا ایک ہوتے بلیف جو ارد گرد کے لوگ بھی ہمارے سیٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا آئندہ اس پر نہ چڑھنا, اس پر نہ جھولنا, یا آپ جو ہیں وہ پانی کے قریب نہیں جانا, تو وہ چیز پھر ہمیں لمٹ کر دیتی, لمٹ کر دیتی اور ڈر پڑ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو یہ ڈرنے والی چیز ہے, یہاں نہیں میں نے جانا. یہ زیادہ پیرنٹس میں بھی ہوتا ہے, لیکن بعد میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی پریزنٹیشن کر سکتے ہو تو کوئی بھی آڈینس سے کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا, مجھے تو سمجھ نہیں لگی, یا آپ کا ایکسنٹ نہیں ٹھیک, آپ اردو بول رہے ہو, آپ کی اردو بالکل نہیں ٹھیک, آپ یہ کام نہ کریا کرو. جی جی بالکل. اچھا یہ بھی کچھ چیزیں دیکھی گئی ہیں جو لمیٹنگ بلیوز میں ہیں, کہ جیسے ہم کسی کے بارے میں ایک یہ تصور قائم کر لیں کہ یہ تو ہے ہی برا, یا تو یہ برا ہے, یا تو ہم یہ ایک ان اپروپریٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ تو پرفیکٹ ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے لمیٹنگ بلیو ہے کہ یا تو ہم اسے اتنا برا سمجھ رہے ہیں, کہ کیونکہ بات یہ نا کہ زندگی میں کوئی کبھی اچھا کرتا ہے کبھی برا کرتا ہے, اور ہو سکتا ہے جس کو ہم برا سمجھ رہے ہوں وہ اپنے طور پر اچھا کر رہا ہوں. تو اور ایک طرف ہم سوچتے ہیں اچھا یہ تو کبھی غلطی نہیں کر سکتا, تو یہ بھی کچھ لمیٹنگ. ہاں وہ بھی ہیں, تین قسم کے ہیں. ایک تو ایکسپیرینس ہے چائلڈ کا, جو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, وہ پھر وہ اس کو ڈر پڑ جاتا ہے. پھر ایک وہ قسم کا ہے. دوسرا والا فکسڈ مائنڈ سیٹ, ریجڈ ہے, پیرنٹس نے بولا ہوا ہے کہ صرف آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے اور کچھ بن نہیں آپ سکتے. اچھا ہم بات کر رہے تھے, آپ بتا رہی تھی کہ کچھ ڈفرینٹ اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تین جی, ایک ایکسپیرینس خود, ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ, ایک مقابلہ. جب پیرنٹس کہتے ہیں آپ اس کو دیکھو اس نے تو یہ کیا ہے, اس نے وہ کیا ہے, ایسے کرو, کمپیریزن, مقابلہ, کمپٹیشن. تو فورتھ ون ہے پاسٹ مسٹیکس, اپنے خود پاسٹ مسٹیکس, آپ نے کچھ کیا ہوا ہے اور کچھ رانگ ہو گیا ہے, تو وہ آپ کو لمٹ کر دیتا ہے کہ آپ وہ کام اب کبھی بنا آپ کریں. بالکل, یعنی آپ نے یہاں ڈفرینٹ جو ہیں اس کی کیٹیگریز بتائی ہیں کہ فکس مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے, یا بہت ہی ریجڈ ہو جاتا ہے انسان, یا پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس میں آپ کو لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ تم کام نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مل کر آپ کا بلیف سسٹم اور اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ناظرین یہاں پر ہمارے آن لائن گیسٹ بھی موجود ہیں, محمد علی صاحب پاکستان سے جو NLP ٹرینر ہیں اور باڈی لینگویج کوچ ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, لمیٹنگ بلیفز کیا ہیں اور لمیٹنگ بلیفز کہاں سے پیدا ہوتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. موضوع بہت دلچسپ ہے اور یقیناً آپ اس میں بڑی دلچسپ باتیں بھی ایڈ کریں گے اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی میں, کہ یہ لمیٹنگ بلیفز ہیں کیا اور کہاں سے آ جاتے ہیں یہ ہمارے دماغوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایمن, بڑی سب سے پہلی چیز یہ ہے, مجھے صاحب کا ٹاپک بہت فیوریٹ اور انٹرسٹنگ ہے, میرے لیے وہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, بیکاز ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اور میں لفظ ظلم ہمیشہ یوز کرتا ہوں ایز پیرنٹس, بلکہ میرے کچھ جو ویورز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیرنٹس کو بہت لتاڑتے ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا, وہ جس طرح یہ میرے پیچھے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے, وہ ایسے ایک کلین سلیٹ ہے, اس کے اوپر میں جس کی پھول کی تصویر لگاؤں تو وہ پھول بن جائے گا, اس کے اوپر میں کانٹے کی تصویر لگاؤں تو وہ کانٹا نظر آئے گا. تو اسی طرح بچے پہ ہم پینٹ کرتے ہیں. یہ لمیٹنگ بلیفز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ لمیٹنگ بلیفز ہم پیرنٹس بچے کی پیدائش سے پہلے سے اس کو اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو مثلا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جو میں نے پہلے بھی آپ کے شو پہ ایک دفعہ دی تھی. میرا بچہ تمہارے گھر آئے گا نا تو اپنے سارے برتن شیشے کے بچا کے رکھنا, وہ توڑ دیتا ہے. میرا بچہ بڑا شیطان ہے, تم نکمے ہو, تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو, تم نے اگر میری بات نہ سنی تم زندگی میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتے.
अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हम बचपन से बच्चों में अपने इंस्टॉल कर रहे थे। ये बच्चों का काम नहीं है, तुम बड़ों के साथ मशवरों में शामिल मत होना। नाउ ये वो सारे बिलीफ्स हैं जो हम उनके अंदर डे वन से एज पेरेंट्स इंस्टॉल करना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो हम उनको रीस्ट्रेंथन करते हैं, रीस्ट्रॉन्ग करते हैं, रीपेंट करते रहते हैं कि भाई वाकई ये काम जो है ना, यार देखो ये जो लड़का है ना, ये बच्चा मेरा, ये बड़ा स्लो है, बट आप थोड़ा सा तेज तेज चला करें, आप बहुत स्लो है। हम ये चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ, और अच्छा यार तुम मैथ्स कभी नहीं कर सकते, पता है मैथ्स, अच्छा उस्ताद किस तरह कर रहे होते हैं स्कूलों में, बच्चे जाते हैं पहली चीज क्या होती है, मैथ्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, समझ गए हो, मेहनत करोगे तो पास हो गए, वरना मैथ्स में नहीं कोई पास हो सकता। बिल्कुल। अच्छा ये भी क्या लिमिटिंग बिलीव है, अब जैसे हम वालिदैन के मुख्तलिफ मिजाज के बच्चे होते हैं, और एक बच्चा है जो बहुत टॉकेटिव है, एक बच्चा है जो बहुत ही क्वाइट है, तो हम दूसरों से जब तारीफें या तस्किरा कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि ये वाला बच्चा मेरा बिल्कुल नहीं बोलता किसी के सामने, किसी से बात नहीं करता, या ये कि हम ये कहें कि ये बहुत ही स्लो खाना खाता है, खाना खाने बैठता है तो घंटा लगा देता है। ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, ये है, हमने देखा दो चीजों की डिस्कशन की है ना, एक ये है कि हम लिमिटिंग बिलीफ आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, ठीक है, और सेकंड है कि वो नर्चर कैसे होते हैं। ये जो अभी आप बात कर रही हैं, ये नर्चरिंग हो रही है उनकी, पहले हमने वो इंस्टॉल किया कि यार ये तुम स्लो हो, ये बच्चा स्लो है, अब उसमें हमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक, उसके बाद फिर हम उसको नर्चर करते हैं कि यार ये हर दफा इसी तरह स्लो रहता है, ये हमेशा मैथ्स में फेल हो जाता है। नाउ दिस, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि पेरेंट्स के वर्ड्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। इब्न बिन बाज, एक इमाम काबा भी गुजरे और बड़े आलम भी थे, उनकी वालदा के बारे में मशहूर है कि वो उनको जब बुरा भला कहना होता था ना, तो कहती थी जा तू जाके इमाम काबा लग, तुझे लग पता चाहिए। और वो कहते थे कि जब मैं इमाम काबा बना तो तब मुझे समझ आई कि मेरी माँ मुझे कहती क्या थी। नाउ दिस इज एन एम्पावरिंग बिलीफ दैट वाज बीइंग इंस्टॉल्ड इन दैट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। सो आज अगर हम, मेरा नजदीक आज अगर हम ये डिस्कस करके समझे कि हम लिमिटिंग बिलीफ्स इंस्टॉल कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, और हमने कैसे उनको बचना है, उसके बाद नर्चरिंग के अंदर स्पेस जो है, तो मैं वो सेकेंड है, वो तो फिर बच्चा जब 7 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है तो उसके वो जो बिलीफ्स हमने पहले 7 साल में इंस्टॉल किए होते हैं वो उसके यकीन बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं उनके बेस पे, कि मैं घोड़े पे नहीं बैठ सकता, माँ को पानी से डर लगता था या माँ को छिप्पी से डर लगता है तो बच्चा कहेगा छिप्पी बहुत जालिम चीज है, ठीक है। सो वो मेरा ख्याल वो सेकेंड फेज बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिस्टर सिद्रा ये बात की है, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट और एग्जांपल भी दी जो इमाम काबा की, जो मैंने कई दफ़ा सुनी और हमेशा मेरे ऊपर एक बड़ा असर होता है इस चीज़ का, कि एक चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना बच्चों के अंदर, बचपन से उन्हें बता रहे हैं कि ये तुमने जाके करना, ऐसे तुम बनोगे, तो ये क्या माँ बाप यानी बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं, सोच समझ के कर रहे होते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता इस इम्पैक्ट का? नहीं, क्योंकि फिर जो उनको अंदाज़ा हो तो फिर वो ये बोले हैं ना पहले, तो ये वो ही कैटेगरी में आ जाता है कंपटीशन में। जी बिल्कुल। और आपको ना डिफरेंसेस देखने चाहिए डिफरेंट चिल्ड्रन में, उनके पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। बिल्कुल। हर चाइल्ड डिफरेंट है, उसके उनके अपने हैं ट्रेट्स, पॉजिटिव ट्रेट्स, तो उसके मुताबिक जाना चाहिए। ठीक है, तो और आप क्या कहना चाहेंगे इस लिमिटिंग बिलीफ के हवाले से? और तो पास्ट मिस्टेक्स एक है, और दूसरे जो अदर लोग आपको बिहेवियर्स, उनका बिहेवियर क्या है आपके अगेंस्ट। अच्छा ये सिर्फ वालिदैन से ही हमें मुंतकिल होते हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग होते हैं? नहीं, और भी, ये तो हस्बैंड वाइफ में भी बहुत है। जैसे वाइफ्स प्रेज नहीं करती हैं हस्बैंड्स को, उनको हमेशा डाउन करती हैं इमोशनली, उनको पॉजिटिव नहीं उनको बताते कि आप तो ये भी कर सकते, वो वैसे ही बोलते हैं आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो वल्नरेबल बच्चे होते हैं ना, वो ग्रो अप होके तो फिर वो ऐसे, उनको भी अफेक्ट पड़ता है फिर। जी, मैंने इसकी काफी कोई देखा। निशानियां क्या हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ बच्चे हैं या कुछ एडल्ट्स ऐसे हैं जो अपने बिलीव्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते? बहुत है, एंग्जाइटी एक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जो वाइफ बताए कि आप ये बिल्डिंग में कुछ नहीं हो,
बिल्डिंग या जैसे डीआईवाई में, तो जब डीआईवाई करनी पड़े ना तो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, एंजाइटी शो करेंगे. एंजाइटी एक है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक हर चीज़ उनको नेगेटिव लगेगी. पहले कह देंगे नहीं मैं तो नहीं ये कर सकता, मेरे पास ट्रेट्स नहीं है, मैं गुड नहीं हूँ इस चीज़ में, नेगेटिव चीज़ें. और वो ब्लाइंड हो जाती हैं टू पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़. पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते हो, वो लेते नहीं है, सामने होती हैं लेकिन उन्हें नजर नहीं आती. जी बिल्कुल जी. मोहम्मद अली साहब, मैं चाहूंगी कि हम आज के शो में मजीद थोड़ा सा इसके बारे में जानें कि क्या हैं और किस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो बात जैसे आपके साथ हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज पैटर्न्स के हवाले से, जो जुमले हमारे मुँह से निकलते हैं वो तो हम बाज़ दफ़ा बातचीत करे जा रहे होते हैं सोचे समझे बगैर, तो कैसे ये दूसरों के दिमागों के अंदर उनके बिलीव्स को लिमिट कर देते हैं. देखिए अमन, इसको समझने के लिए हमें दो चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी. एक ये कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है और दूसरा उसका इफेक्ट जो है वो कैसे होता है. हमारा जो ब्रेन है वो वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझता. ब्रेन एसोसिएट्स पिक्चर्स विद वर्ड्स. ठीक है, मसलन मैं अगर आपसे अभी कहूँ कि लेमन, तो लेमन के साथ फौरन आपके गले में खटास की एकदम फीलिंग आएगी, क्योंकि माइंड ब्रेन और माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो माइंड ने लेमन की पिक्चर से खटास को या उसकी तुर्शी को अपने अंदर रखा हुआ है. सो इसी तरह कुछ वर्ड्स हमारे बचपन से, फॉर एग्जांपल आप लोग बचपन में हम लोग ये सब सुनते हैं, लव योर, हमारे पास बड़ी मुश्किलें पड़ गई हैं, हमारे से ये काम बड़ा मुश्किल है. और कहीं पे हम सुनते हैं यार ये छोटे छोटे मसले हैं, खुद ही हल हो जाएंगे. नाउ हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाई नर्चरिंग एज वेल, हमारे माइंड ने लफ्ज मुश्किल को या प्रॉब्लम को इम्पॉसिबल से रिलेट कर दिया है और मसले को या इशू को पॉसिबिलिटी से रिलेट कर दिया. इसका तो सलूशन निकल आएगा लेकिन इनका कोई सलूशन नहीं है. सो ये सारी जो चीजें चल रही होती हैं, अब आपने जिस तरह भी सवाल पूछा था सिस्टर सिद्रा से, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा कि आपने ये बताया कि इनसे इन जुमलों से या इन चीजों से क्या होता है नाउ और ये कौन कर रहा होता है. इनसे ये स्टार्ट होते हैं माँ की गोद से, और बिल्कुल सही उन्होंने कहा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से, उसके बाद माँ की गोद से, उसके बाद ये आपके आसपास के लोगों से, और उसके बाद आपके दोस्त अहबाब से, फिर उस्तादजा से, और सबसे खतरनाक जो है सिबलिंग कंपैरिजन से भी ज्यादा खतरनाक वो है कजन कंपैरिजन. ठीक है, इन सब चीजों का जब हम मिक्सचर करते हैं तो ये जुमले ये लैंग्वेज पैटर्न हमारे, वो देखा ना उसका भाई के बेटे के, देखो कितने कितना अच्छा स्टोरी रीडर है और तुम बिल्कुल किताब को हाथ नहीं लगाते. Now what we do is, हमने उसको एक तो वहां से लेट डाउन किया और उसके बाद हमने दूसरा उसके साथ ये काम किया कि हमने उसे कह दिया कि यार वो तो अच्छा है ही है और तुम जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करते. So in one language we have installed two different patterns. One is a pattern of inferiority, इसे हम patterns कहेंगे. अच्छा मैं एक चीज एवन आपके व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि लिमिटिंग बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ में फर्क क्या है. जी. अगर आप इजाजत दें तो मैं जी जी बिल्कुल लिमिटिंग बिलीव्स और एम्पावरिंग बिलीव्स जो है इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें. बिल्कुल, एनीथिंग दैट पुल्स यू डाउन, जो आपको बेयकीनी की तरफ लेके जाए वो लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं ये नहीं कर सकता. जी. एनीथिंग दैट पुल्स यू अप, पुशेस यू और पुल्स यू अप, जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाए वो एम्पावरिंग है. और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँ, हमारी एनएलपी में हम ये कहते हैं कि अगर कोई बिलीफ आपको एम्पावर कर रहा है या कोई हैबिट आपकी एम्पावरिंग है, मसलन मेरे पास एक केस आया, वो बच्चा जो है वो अगर पढ़ते हुए पेंसिल से नहीं खेलता था तो वो कहता था मैं फोकस नहीं कर सकता, उसको पेंसिल उंगलियों में पेंसिल घुमानी होती थी अपनी. ठीक. नाउ अब आम देखने वाले से उसके टीचर्स उसके पेरेंट्स सारे इसकी इस हैबिट से तंग थे कि भाई ये क्या तरीका है. मेरा एक और क्लास फेलो था, वो जब तक अपने बालों को यहां से घुमाता नहीं था, इस हद तक कि वो उनको खींच खींच के निकालता था, वो पढ़ नहीं सकता था. एक्चुअली उसको देखें तो सिर्फ इस कोने से वो गंजा है, उसने बाल खींच खींच के निकाल दिए सारे. जी, जी, नाउ ये दुनिया की नजर में शायद कोई चीज लिमिट हो के उसका ये वहम है कि मैं ये करता हूँ तो उससे मेरी पढ़ाई अच्छी होती है, बट इफ दिस इज एम्पावरिंग हिम आई विल नेवर चेंज इट. सही. अच्छा इसको मैं और समझना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे वालिदैन हैं जो बच्चों को, छोटे बच्चे उनके होते हैं और वो उनको खाना खिलाना चाहते हैं
और वो चाहते हैं कि अच्छा खाना खाने में ज़्यादा इजी ये कि उनके सामने कोई स्क्रीन ऑन कर दिया जाए, कोई टीवी लगा दिया जाए और फिर वो खाएंगे। और फिर यही होता है वक्त के साथ साथ ये आदत बन जाती है और वो टीवी देखे बगैर वो खाना नहीं खा सकते। तो क्या ये लिमिटिंग बिलीव हुआ? ये इसको मैं लिमिटिंग बिलीफ से ज्यादा एमन जुल्मे कबीर कहूंगा, ठीक है। और ये सुस्त, इसे कहूंगा सुस्तुल बिलीफ। हम पेरेंट्स अपनी सुस्ती की वजह से, क्योंकि हम बच्चों के साथ वो टाइम नहीं गुजार सकते, हम उनको वो फोकस नहीं दे सकते, हम उनको जो डायवर्जन देते हैं वो हमें शैतानी डायवर्जन देते हैं। और उस डायवर्जन के बाद फिर हम ये इल्जाम लगाते हैं कि देखो मेरा बच्चा खाने की मेज पे भी मोबाइल से खेलता है, ठीक। नाउ अब ओवर ए पैटर्न ऑफ पीरियड ऑफ टाइम ये जो हमने उनसे स्टार्ट किया था, इट इवेंचुअली डज बिकम अ बिलीफ। यस, इट डज बिकम अ बिलीफ। और वो बिलीफ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बिलीफ बन जाता है। हमारे इंटरनली जो सारा बॉडी के जितनी सेल्स हैं, ये सब सेल्स है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सब एनर्जी है। तो एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। उनका इंटरनल मैकेनिज्म माइंड ये कहता है, एक बात याद रखिएगा, माइंड का एक काम ये है कि वो हमारे बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करता है। माइंड को ये नहीं पता कि वो सही बिलीफ्स हैं या गलत बिलीफ्स हैं, वो सिर्फ ये जानता है कि जो चीज इसकी हैबिट बन चुकी है वो प्रोटेक्टेबल है। हमारी इको को भी हमारा माइंड प्रोटेक्ट कर रहा होता है, राइट। तो अगर उसके माइंड में ये हैबिट बन गई है, ये माइंड को ये यकीन आ गया है कि ये टीवी देखेगा तो ही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, तो जब तक वो टीवी नहीं देखेगा ठीक है, यानी उसी तरीके से दिमाग जो है वो फॉलो करेगा। ब्रेक के बाद हम दोबारा इस एम्पावरिंग बिलीफ के ऊपर बात करेंगे, लिमिटिंग बिलीफ के अलावा। सिस्टर आप ये बताइएगा कि जैसे हम बच्चों को ये बताते हैं कि ऐसा पहनना है और इस ब्रांड का पहनना है और इस ब्रांड के अलावा अगर आप कुछ पहनेंगे नहीं तो आप अच्छे नहीं लगेंगे, ये ऐसा बैग लेना, ये सब भी क्या? ये बिल्कुल ये लिमिटेड बिलीफ है, भी क्योंकि ये इंस्टॉल करेगा उसके अंदर, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना चाहिए ना। ये तो एडल्टहुड में भी होता है, जो वाइव्स हैं वो हस्बैंड्स को कोशिश करते हैं उनको चेंज कर दें, ऐसे पहनिया करो कपड़े, ये करो वो करो, ये लिमिटेड बिलीफ है, उनका फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक के बाद ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर बहुत दिलचस्प मौजू है जो हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिटिंग बिलीफ्स के हवाले से, वो चीज़ जो आपको महदूद कर दे, आगे बढ़ने से रोक दे, वहीं पर जो है वो आपको ठहरा दे और आगे ना बढ़ने दे, तो फिर वो लिमिटिंग बिलीफ है। कहाँ से पैदा होता है? हमारे बचपन से पैदा होता है और हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात की जा रही है लिमिटिंग बिलीव्स के हवाले से। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें फेसबुक पे। अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो आप हमें जो भी सवाल आपके जहन में आप वहाँ पर हमारे लिए लिख सकते हैं, हम उसको लेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये आया कि अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है लेकिन ख़ुद उसने लिमिट कर लिया अपने पोटेंशियल को, या जिसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, बुलिंग हो सकती है या फिर उसके लो स्टीम सेल्फ स्टीम है, उसकी वजह से वो नहीं आगे बढ़ना चाहता या बढ़ पाता, तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम पूछेंगे सिस्टर सिद्रा नईम से और फिर ब्रदर मोहम्मद अली साहब से। जी काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स हैं ओवरकम करने के लिए नेगेटिव बिलीव्स को, लिमिटिंग बिलीव्स को। एक तो आप ट्रांसलेट करो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वो जो एक बच्चा है तो उसको फोबिया हो गया है बाइक राइडिंग से क्योंकि वो गिर पड़े, तो उससे लर्निंग पॉइंट्स भी हैं कि उसने उसके बाद उसने प्रोटेक्टिव गियर ले लिया है, नी पैड्स ले लिए, हेलमेट ले लिया है और अब वो सेफ है। तो जो वो ना होता तो फिर वो अब सेफ कैसे होता? अब वो ज़्यादा सेफ है। ये एक पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक है दूसरे एविडेंस ढूंढो कि आप बाइक राइडिंग में नहीं अच्छे लेकिन आप ये चीज़ों में तो अच्छे हो। फॉर एग्जांपल एक मैं जानती हूँ एक औरत, वो आईटी में उसको फोबिया है, मैं नहीं कर सकती, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती कुछ भी लर्न आईटी में। तो फिर मैंने उसको बताया था लेकिन आप मोबाइल पे तो ठीक हो, वो भी आईटी है और कंप्यूटर गेम्स वगैरह वो खेलती है बच्चों के साथ, वो भी तो आईटी है। तो इसका मतलब है आप नहीं हो ख़राब आईटी में, आप ठीक हो। ऐसे करके एविडेंस, डिफरेंट एविडेंस ढूंढो। दूसरा वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, ये देखो मैंने कर लिया है, ये है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो बच्चे को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए। जी वो खुद अपने आप को बोले कि हाँ मैं करूँगा,
ये देखो मैंने तो कर भी लिया है। बिल्कुल, उसको पेरेंट्स उसको तवज्जो दिला सकते हैं कि देखो अदर टाइम तुमने वो काम भी तो ऐसा ही था, लेकिन वो तुमने कर लिया तो तुम ये भी कर सकते हो। जी जी ब्रदर मोहम्मद अली साहब, आप जो हैं वो बात कर रहे थे लिमिटिंग बिलीव्स और एम्पावरिंग बिलीव्स में क्या डिफरेंस है, उस पर आप बताइएगा। जी, मैं उससे पहले एमन, ये सिस्टर सिद्रा की बड़ी जबरदस्त उन्होंने टिप्स दी, मैं उसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी बिल्कुल, और वो ये कि एक जो सेल्फ टॉक के अंदर जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं अपने स्पेशली क्लाइंट्स को बताता हूँ, वो है कि आपका जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, जो भी आपकी चीज़ जो आपको रोकती है, आप में जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम है, तो आप उसको पास्ट में सोचना या बोलना शुरू कर दें। आमतौर पे हम ये कहते हैं यार मैं बड़ा स्लो हूँ, मैं बड़ा स्लो हूँ, तो आपका माइंड उसको प्रेजेंट में हमेशा वही लेगा कि आप स्लो हैं। आप सिर्फ उस जुमले में उसको यूँ चेंज करते हैं, मैं स्लो हुआ करता था, अब मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, अब मुझे मजा आता है काम करने का। तो कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आपने अगर अपने ऊपर काम करना है, या फिर उन बच्चों के साथ भी, अगर आपसे ये अगर पेरेंट्स के तौर पर अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप बच्चों को कह सकते हैं तुम पहले मैथ्स में बुरे हुआ करते थे, अब तो तुम कमाल हो गए हो यार, क्या बात है तुम्हारी। एक और चीज इसी में एक जुमला और मैं ऐड करूंगा कि वो ये कि जी तुम मैथ्स में अगर तुम पहले मैथ्स में जो था ना बंदा, जैसे हम कहते हैं पेस 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 लीडिंग, तो आप उसको लीड करें। जिस तरह भी इन्होंने सिद्रा ने भी कहा तुम इंग्लिश में अच्छे हो, जी मैं हूँ, तुम उर्दू में अच्छे हो, जी मैं हूँ, तुम फ्रेंच में अच्छे हो, जी मैं हूँ, ठीक है, तुमने ये सारी चीजों में क्या किया था जो तुम अच्छे हो, मैंने मेहनत की थी, मैंने इंटरेस्ट लिया था, मैंने ये किया था, अच्छा, और अब तुम मैथ्स में अच्छे नहीं थे क्योंकि अब तक तुमने ये चीजें नहीं की थी, अब ये करो और तुम मैथ्स में भी ऐसे ही अच्छे हो जाओगे। सो ये डिफरेंट टिप्स तो और मैं ऐड करना चाह रहा था। जी सिस्टर सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगी हाँ, मजीद? एक दो और है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो फेल है FAIL, उसका मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जो नो है NO, उसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये सब सेल्फ टॉक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने जी। बताई है और कि एक दुआ भी है, हस्बी रब्बी व नेमल वकील, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोली थी बिल्कुल, और जी। इसी तरह से पेरेंट्स जो है वो हेल्प भी कर सकते हैं। जी मोहम्मद अली साहब, आप साथ मौजूद हैं, क्या कह रहे थे आप? जी, तो मैं ये बता रहा था कि जो हर वो चीज जो आपको ऊपर लेकर जा सकती है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो। समटाइम्स सूडो बिलीफ्स कैन आल्सो बी एम्पावरिंग। सूडो का मतलब होता है फेक, ठीक है, जो रियल नहीं है। तो समटाइम्स एक ऐसा बिलीफ के बंदा ये कहे मैं जो रात को बैठ के पढ़ता हूँ ना, तब मेरी कंसंट्रेशन बेस्ट होती है। नाउ इट हैज टू, इट कैन बी अ सूडो बिलीफ, जरूरी नहीं कि सिर्फ रात को ही कंसंट्रेशन ठीक होगी, बट इफ दैट बिलीफ मेक्स यू फ्लाई, एज पेरेंट्स वी शुड लेट नॉट टच इट एट ऑल। हमें उसके ऊपर, उसकी बजाय हम उसको उस पर डिस्करेज करें, हम उसको इसकी एम्पावरमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं कि तुम रात को पढ़ते हो तुम्हारी कंसंट्रेशन ठीक होती है ना, और अब तुम दिन में भी जब पढ़ोगे तुम्हारी कंसंट्रेशन इसलिए ठीक हो जाएगी। सो हम उसको यूज करें टू बिल्ड ऑन अनदर लिमिटिंग बिलीफ। एम्पावरिंग बिलीफ की एक और मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि मेरे पास एक केस आया, एक बड़े इंटरेस्टिंग केस था, वो बच्चे का था, बल्कि वो बच्चा ये कहता था कि सर मेरा इशू ये है कि मैं जब भी दोस्त अकेला पढ़ता हूँ मैं फेल हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने किसी भी दोस्त के साथ कंबाइंड क्लास करता हूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं टॉप भी कर जाता हूँ, और जिसके साथ मैं क्लास कर रहा होता हूँ वो रह जाता है। नाउ दिस वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो अब इस तरह के जब अब बिलीफ में जो उसका किसी दोस्त के साथ क्लास करने का जो बिलीफ है, अगर उसको वो लगता है कि मुझे एम्पावरिंग है, उसको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसको पिछले एग्जाम में उसको दोस्त कोई नहीं मिल रहा था जो उसके कंबाइंड स्टडी करे, क्योंकि लोगों का बिलीफ ये बन गया था जिसके साथ ये पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। सो उसको उसकी उस बुत को या उस बुताने वहमो गुमान जिन्हें मैं कहता हूँ, जिन्हें एक बार इकबाल ने कहा है, तो उस चीज को तोड़ने के लिए हम उसके साथ जब काम करेंगे या एज पेरेंट्स हम काम करेंगे, तो पेरेंट्स कह सकते हैं ठीक है बेटा आज मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ती हूँ, लेट मी बी योर पार्टनर, माँ कह सकती है, बाप कह सकता है बेटा आई विल बी योर पार्टनर, ऑल यू नीड इज अ पार्टनर टू सिट नेक्स्ट टू यू। बहन भाई साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि वो एक ही चीज पढ़ रहे हो, राइट। सो हमें उसके लिए डिफरेंट सिनेरियोस, अच्छा अब अगर उसकी वो उसको हम टच नहीं कर रहे जो उसकी एम्पावरिंग है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे टू डी
क्या उसका चाहिए, डीमिस्टिफाई द लिमिटिंग पार्ट कि मैं अकेला नहीं पढ़ सकता। ठीक है, समझ आती है आपकी ये बात। अच्छा जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग फेल से हम समझ सकते हैं, वरना फेल से तो यही दिमाग में आता है कि अच्छा नहीं, कामयाबी नहीं मिली और बस जी मैं तो यहीं पर ही खड़ा रहूँगा, मैं तो मुझे तो हमेशा ही फेलियर मिलता है। लेकिन इसको पॉजिटिव किस तरीके से समझ सकते हैं? जी बहुत ज़्यादा ऐसे ना एक्रोनिम्स हैं जो आप ना चेंज कर सकती हो जी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जी ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये जो मैंने आपको बताई थी चीज़ें। एक और है, आप जो लिमिटिंग बिलीफ है उस आप ना उस डर पड़ जाता है बच्चे को कि मैंने ये करना ही नहीं है, तो ज़्यादा आप एक्सपोज करेंगे वो चीज़ को तो फिर वो ज़्यादा वो यूज़ टू हो जाएगा बच्चा यानी ज़्यादा ये ज़्यादा। समझता है बच्चा, या वो अगर बड़ा हो गया वो पर्सन, तो वो ये समझता है कि अच्छा मैं ये काम जब भी करूँगा मैं हर्ट ही होऊंगा और मुझे जी तकलीफ ही होगी या मुझे कोई नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो ये एक लिमिटिंग बिलीव है जो उसके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया गया, जिसकी वजह से हाँ वो नहीं रिस्क नहीं लेता किसी चीज़ में। जी यही है, तो फिर आप उसको एक्सपोज ज़्यादा करो वो इस सिचुएशंस में, तो फिर उसका जो लिमिटिंग बिलीफ है ना उसको पता चल जाएगा ये एवरी टाइम ऐसे तो नहीं होता, ये भी अच्छा, है। इस तरह के भी लिमिटिंग बिलीव्स हम बच्चों के साथ और अमूमन बातचीत में कर रहे होते हैं कि चूंकि वो जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई एथनिक उसका बैकग्राउंड है, या फला कम्युनिटी से हैं, या किसी और ऐसी फैमिली से हैं कि उनकी फैमिली में सारे लोग लेज़ी हैं, तो वो भी बच्चा जो है, वो जो आपका फ्रेंड है, वो तो लेज़ी ही होगा और वो तो कभी भी आपसे अपना प्रॉमिस कीप नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो भी हम बार बार जब बातें कर रहे होते हैं इन पर, तो वो चीज़ें बिलीव हाँ बन जाती ये तो बहुत होता है हैं। कम्युनिटी में, इसलिए हमें ना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए ना, ये लिमिटेड बिलीफ्स नैरो माइंडेडनेस से होते हैं। आप जाओ मिक्स हो दूसरे लोगों के साथ, फिर पता चले कि हर इंसान तो ऐसे तो नहीं है, जो इस कंट्री से है या जो इस मजहब से है वो सब तो नहीं ऐसे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल भी आपने ठीक लिमिटेड कहा, बिलीफ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। मोहम्मद अली साहब, ये लिमिटिंग बिलीफ्स पर हम बात करें, और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं इनकी, जो बहुत सारे जुमले हम जाने अनजाने में बोल रहे होते हैं, हमारे मुंह से निकाल रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए या इर्द गिर्द के लोगों के लिए, और जो जाके दूसरों के दिमाग में नक्श हो जाते हैं? मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक एक बच्ची का केस है जो कहती थी कि मैं चावल खाती हूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ। अब उससे जब पूछा गया कि क्या चावल खाने से, क्या घर में सिर्फ आप ही चावल खाती हैं? नहीं, सारे खाते हैं, तो सारे मोटे क्यों नहीं होते? हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपको किसने बताया कि चावल खाने से इंसान मोटा होता है? मेरे नाना ने। तो नाना क्या डाइटिशनर थे या न्यूट्रिशनिस्ट थे? नहीं, मेरे नाना तो करियाने की दुकान चलाते थे। तो नाना को कैसे पता है कि चावल खाने से बंदा मोटा होता है? जी और आपके घर में सब चावल खाते हैं लेकिन सब मोटे नहीं है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि शायद आप वो एक्टिविटी नहीं कर रही, आप खाना बैठी रहती हो खाती रहती हो, बैठी रहती हो खाती रहती हो, तो आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, या आप इतना ज्यादा खा जाती हो कि आपको पास और कुछ, आपको सांस लेने की भी जगह नहीं बचती। ठीक, नाउ दिस इज वॉट एन आई ओपनर। जब आप उनके वो पैटर्न तोड़ेंगे, ये हम कहते हैं ब्रेकिंग द पैटर्न, वो जिस तरह हम एनएलपी में कहते हैं ना नेक ब्रेकर, मैं कहता हूँ उसी जी गर्दन तोड़ने वाला हिसाब है कि जी जब आप उनके पैटर्न तोड़ेंगे, थिंकिंग पैटर्न, तो आप देखिएगा लिमिटिंग बिलीफ खुद ब खुद, इसका असूल ये है कि आपने उनके माइंड में उस लिमिटिंग बिलीफ के बारे में डाउट डाल देना है। द मिनट माइंड गोज इन टू डाउट अक्सर वो चीजें को छोड़ देता है। ठीक है, तो अच्छा ये और ये बड़ी एग्जांपल आपको मिलेंगी, आलू खाने से बंदा मोटा हो जाता है, तुम ज्यादा आलू ना खाया करो। अच्छा, अब वो जब बच्चा आलू खाएगा तो उसको पता है कि मैं आलू खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। ठीक, जी जी तो ये बिल्कुल से बिल्कुल जी सही आपने कहा। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स मुझे याद आ रही हैं, जैसे बहुत दफ़ा बहुत सारे बच्चे या बड़े जब जो चीज़ें उनके दिमाग में इंस्टॉल हो रही हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, और यानी मेरे अंदर इतनी अहलियत नहीं है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे ये सब कुछ मिले, तो क्या ये भी एक लिमिटिंग बिलीव हाँ है? ये भी लिमिटेड बिलीफ है। आपको चाहिए कि दूसरे लोगों के ओपिनियंस भी देखो, सिर्फ एक का नहीं, ये भी एक बहुत बिग प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और वाइफ बोलेगी कि ये कपड़े मैं ही आपके लिए खरीदूंगी क्योंकि आपकी टेस्ट नहीं ठीक, ये एक एग्जांपल है। तो फिर दूसरे लोगों से पूछो कि मेरा टेस्ट ख़राब है ना, क्योंकि आप एक को बिलीव करेंगे तो वो तो लिमिटेड बिलीफ होएगा, जी दूसरे लोगों को भी पूछो, ये भी एक जी एग्जाम्पल है। असल में कभी कभी होता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी पोजीशन रखते हैं कि जिनकी बात
हमें ज़्यादा सुननी पड़ती है, जो हमारे एट केयर ज़्यादा होते हैं, जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनसे हम अगर वो हमें बुली ही कर रहे हैं, अगर वो बार बार हमें एक चीज़ का को रियलाइज़ करवा रहे हैं या बार बार हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर है जो सही नहीं है, तो फिर हम उसी को सुन सुन कर दूसरे अच्छी पॉजिटिव बातें जो है अपने बारे में जो और लोग कर रहे होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। तो ये वाली चीज़ भी है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है या जो सुनने को मिलता है जिसके बारे में बच्चे बात कर रहे होते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पास जो है वही काफ़ी है और मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो आगे से एफर्ट करने में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। जी मोहम्मद अली साहब। मैं सोच अगर आप जाते हैं तो मैं एक छोटी चीज में ऐड करना चाहूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है। मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह जन्म नसीब करे, मेरी शलमबर्जे में जॉब हुई इंजीनियरिंग करने के फौरन बाद। शलमबर्जे में पूरी, मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर नहीं था, मेरे मर के 84% नंबर थे, टॉपर्स जो थे उनके उनकी नहीं हुई। तो मैं घर आया बड़ी खुशी खुशी और मैंने आके अबू से कहा, मैंने कहा अबू यार जॉब मुझे हो गई है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं डिजर्व नहीं करता था, पता नहीं ये कैसे होगी। वो देखे ना टॉपर रह गया, सेकंड रह गया, मैं तो कोई 30th नंबर पे हूँ। तो मेरे अबू ने फौरन मुझे एक बात कही जो आज तक मैं नहीं भूलता। उन्होंने मुझे कहा, अच्छा तो अब आप नाउज बिल्ला अल्लाह सुबहान तआला को ये बताना चाहते हैं कि वो अल्लाह तुझे नहीं पता कौन डिजर्व करता है, तूने तो ऐसी बेवकूफ को दे दिया उठा के, तुझे क्या पता किसको देना है किसको नहीं देना। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसा नहीं कहा। कहते हैं बट हाउ डू यू नो दैट यू डोंट डिजर्व, हु नोज व्हाट यू डिजर्व इज ओनली अल्लाह सुबहान तआला। सो इफ यू आर गेटिंग समथिंग यू शुड लर्न हाउ टू बी थैंकफुल रादर देन सेइंग। ये हमारे यहाँ ना एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट बन गया है कसरे नफसी के नाम पे, नहीं मैं तो बस मुझे ज्यादा पैसों का शौक नहीं है। माई फुट झूठ है, सबको पैसों की जरूरत है, पैसे के बगैर काम नहीं चलते, खाने पीने की सबको जरूरत है। ये भी एक ये मुआशरे का लिमिटिंग बिलीफ बना रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो एक और मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी कि हम यानी आगे बढ़ने के बजाय हम कहते हैं कि नहीं बस वही बात जो इन्होंने कही कसरे नफसी की बात कि बस यहीं पर ही रुकना है और मज़ीद पैसा नहीं चाहिए या मुझे और कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए, बस मैं इसी में खुश हूँ, तो ये भी एक लिमिटिंग हाँ ओपन माइंडेड बस होना कंटेंटमेंट में। चाहिए और ना इसमें बहुत फर्क है। जी कंटेंटमेंट ये है कि जो मुझे मिल रहा है आज, मेरे नसीब में 100 रुपया था तो मैं 100 पे भी खुश हूँ, कल मेरे नसीब में 1000 है तो मैं 1000 पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, राइट। सो कंटेंटमेंट ये है, कंटेंटमेंट ये नहीं है कि मुझे 1000 मिल रहा है और मैं कहूँ नहीं मुझे 100 ही दो, मुझे 1000 मत दो, दिस इज नॉट कंटेंटमेंट। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी सिस्टर सिद्रा। अच्छा, ये भी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैसे आपने बचपन में आपकी जो प्रोग्रेस थी आपकी स्टडीज़ में वो चूंकि अच्छी नहीं थी, फिर हम बार बार उनके बड़े होने के साथ साथ उन्हें बता सकते हैं कि अब बहुत मुश्किल है कि आप आगे बढ़ो क्योंकि आपने अपने पास्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट की थी बार बार। जब मैं आपको तवज्जो दिलाते थे हम कि आप पढ़ो लिखो तो आप उस वक्त नहीं पढ़ते लिखते थे, अब ये सारी सिचुएशन जो है वो आपकी ही मिस्टेक का नतीजा है, तो अब आप और मजीद भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लो होएगा ना फिर ये बता के, तो उनके ना पॉजिटिव ट्रेट्स को भी देखना चाहिए कि ये बच्चा फॉर एग्जांपल मैथ्स में नहीं ठीक लेकिन आर्ट में तो बहुत अच्छा है, उनको इनकरेजमेंट देनी चाहिए कि आप तो आर्ट में बहुत अच्छे हैं और हर सब्जेक्ट में क्रॉस करिकुलम होते हैं चीज़ें, आप मैथ्स करेंगे उसमें भी आर्ट है, ज्योमेट्री आर्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो आप पॉजिटिव ट्रेट्स बच्चे के वो इनकॉर्पोरेट करो नेगेटिव चीज़ों में, उसके साथ भी ज़्यादा बढ़ेगा आगे फिर बच्चा। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरीके से हम नेगेटिव को पॉजिटिव से बदलें और इस तरह से बच्चे की हेल्प करें। बहुत सारे और भी आती हैं एग्जांपल्स हमारे जहन में। अब हम बात करेंगे आखिर में कि कौन सी ऐसी टिप्स हो सकती हैं कि जिनसे ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं या रुकावटें हैं इनको इनसे इनको मदद करें बच्चों को या बड़ों को। खुसूसन मैं ये बात इसलिए करूँगी कि हमारे पास बहुत सारे सवालात ये आ रहे हैं कि अगर तो पेरेंट्स की वजह से या माहौल की वजह से या सिबलिंग की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से या किसी बुलिंग की वजह से बच्चे के दिमाग में कुछ चीज़ें नक्श हो गई हैं और अब वो बड़ा हो गया, एडल्ट बन गया है, अपनी ज़िंदगी उसने चलानी है, लेकिन वो लिमिटिंग बिलीव्स उसको नहीं आगे बढ़ने दे रहे, तो अब क्या किया जा सकता है, ख़ुद वो अपने ऊपर कैसे काम कर सकता है, इर्द गिर्द के लोग या खुसूसन वालिदैन कैसे काम कर सकते हैं। जी मोहम्मद अली साहब। अच्छा इमन, मैं इसमें ना बड़ा सा आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया है और इसमें मैं एक छोटी सी अगेन एग्जांपल, मेरे पास एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को समझाने में आसानी रहती है। जी
मेरे पास एक दफा एक शख्स आया, मैंने अभी तक 3 केस ऐसे किए हैं जहाँ पर आने वाले ने कहा आई हेट माई मदर। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि माँ से कोई बच्चा नफरत करे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तो व्हाई डू यू हेट योर मदर, तो कहने लगा कि जी मैं बनाए वॉज यंग चाइल्ड, शी नेवर गेव ब्रेस्ट फेड मी, उसने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया, उसने मुझे डब्बे के दूध पे पाला है, तो इस वजह से मुझे अपनी माँ से नफरत है। नाउ व्हाट आई टोल्ड हिम, यू आर 34 इयर्स ओल्ड टुडे, और ये बात है आज से 32 साल 30 33 साल या 34 साल पहले की, क्या तुम सारी जिंदगी इसी बात पर रोना चाहते हो? जाओ, मेरे ऑफिस के नीचे एक सुपरमार्केट थी, मैंने कहा जाओ और जाके वहां से 200 लीटर दूध खरीदो एंड ड्रिंक एज मच मिल्क एज यू वांट टू ड्रिंक नाउ, ताकि वो तुम्हारी चीज खत्म हो जाए, तुम्हारी बोन्स कैल्शियम सारी कमियां पूरी हो जाए। नाउ कई दफा ये मैंने इसलिए बात की है कि कई दफा इस तरह हो रहा होता है कि हम जिन चीजों के ऊपर रो रहे होते हैं वो एक्चुअली इश्यूज नहीं, नॉन इश्यूज भी नहीं, बल्कि वो होता ही कुछ नहीं है, बट हमारा माइंड उस मूवी को बनाकर इतना बड़ा कर लेता है, और हम उस मूवी को अपने चारों तरफ यूं यूं करके देख रहे होते हैं, और हमें हर जगह लग रहा था मेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया, मेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया। व्हाट वी नीड टू डू इज, मेरी ये बड़ी हम्बल सी एक सबमिशन है सारे व्यूअर्स के लिए, कि इंस्टेड ऑफ डूइंग सिंपथी और एम्पथी विद दैट पर्सन, मैं दोनों चीजों को खत्म कर रहा हूँ, दोनों मत कीजिएगा, ना सिंपथाइज करें उसके साथ ना एम्पथाइज करें, ब्रेक हिज और हर पैटर्न, ठीक है, उसका पैटर्न तोड़े कि भाई माँ ने दूध नहीं पिलाया, चलो नहीं पिलाया, अब कब तक तू इस तरह ही रहना चाहता है जी। हम क्या करते हैं, हाँ यार तेरी माँ ने तो बड़ा जुल्म किया। बिल्कुल, एक टिप जो है हम सिस्टर सिद्रा से लेंगे जी। सिस्टर सिद्रा आप क्या कहेंगे, किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? एक और है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिमिटेड बिलीफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसके पास लिमिटेड बिलीफ है वो मैथ्स में बिल्कुल आगे जा नहीं सकता, तो फिर आप उसको थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप फिर शॉपिंग फ्यूचर में कैसे करेंगे। आप ये करेंगे तो फिर आप तो ये काम भी कर सकेंगे, गुड चीज़ें जो हैं उसके साथ थोड़ा वो मोटिवेशन फिर मिलेगी। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन वो नहीं उसको देख पा रहे होते अपने उस लिमिटिंग बिलीफ की वजह से, तो हम उनको तवज्जो दिला सकते हैं रिजल्ट्स की तरफ, उनका उनकी तवज्जो लेकर जा सकते हैं कि अगर आपने ये इस वक्त कर लिया तो वो चीज़ भी आप इसको अचीव कर सकते हैं, और नेगेटिव को पॉजिटिव से बदलने वाली पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज उनको बताओ जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो उसके साथ जो नेगेटिव है ना रुकावट वो ठीक हो जाएगी जी। और मजीद आप क्या कहना चाहेंगे? और तो काफी है, अभी एक और प्रोग्राम होगा इस पर, हम इन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे और साथ शामिल होते रहेंगे जी। मोहम्मद अली साहब, आप भी कोई और मजीद बताना चाहें कि क्योंकि जो सुनने वाले होते हैं वो चाहते हैं बस हमें कोई हल मिल जाए, किस तरीके से हम वो काम करें, जो गलतियां मिस्टेक्स हो गई हमसे अब क्या कर सकते हैं हम? अमन, मैं एंड में सिर्फ यही कहूंगा कि ये सारी चीजें क्यूरेबल हैं, आप वो कहते हैं ना अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें, उसी तरह आप टेक हेल्प, देयर इज नो शेम इन टेकिंग हेल्प। तो ये जान लें कि अगर कोई चीज़ आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा रही तो आप अपने किसी कोच से, किसी मेंटर से, किसी थेरेपिस्ट से जाकर ज़रूर मिलें, एंड दे आर ट्रेंड टू हेल्प यू एंड योर पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड्स एंड योर सिबलिंग्स। अगर आपको किसी के साथ कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो अपना सपोर्ट ग्रुप बनाएं एंड टेक हेल्प फ्रॉम समबडी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आप हमारे साथ शामिल होंगे। इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है और काफी काफी पेरेंट्स मेरे जैसे इसको सफर कर रहे हैं। मेरे पास मेरा सवाल तो काफी लंबा है लेकिन मैं कोशिश करूंगी उसको शॉर्ट करने के लिए। मेरे पास तो दो किस्म के बच्चे हैं, एक उनके पास एज डिफरेंस है काफी 10-10 साल का, और एक नॉर्मल है और एक स्पेशल नीड है। जी। तो जो मेरा छोटा बेटा है वो ये जो यू नो ब्रांड की चीजों के, और वो जिस स्कूल में जाता है वहां से वो बच्चों को काफी उनसे देखकर वो सीख रहा है, वो काफी चीज को कहता है कि ये जो भी ये ब्रांडेड चीजें पहनते हैं या जो अच्छी महंगी चीजें पहनते हैं तो वो काफी पॉपुलर होते हैं, तो और बाकी बच्चों में उनका ज्यादा ये चीज होती है। तो मुझे ये, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव भी रहूँ और उसको सही तरीके से भी समझाऊं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। उसके मतलब ऐसे सवालात हैं जिस समटाइम उसको सुनकर उसका जवाब देना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रांडेड चीजों के बारे में कहती हूँ तो कहता है मॉम मैं सब ब्रांड के बारे में नहीं, वो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है।
तो किस तरीके से इस चीज को कंट्रोल करें बच्चों को? जी आपका सवाल बहुत अहम है और आज का नाज़रीन चूँकि हमारा शो का ख़त्म होने का टाइम हो गया, सिद्रा आपको भी मैं यही कहूँगी कि सवाल ज़रूर नोट कर लें और इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। मुख्तसर सी कोई बात अगर आप करना चाहें। मेरे ख्याल में जब आप थेरेपिस्ट पे जाते हैं ना, जैसे ब्रदर मोहम्मद अली ने बोला है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके साथ वो जो थेरेपिस्ट होती है ना वो आपको ट्रेन करती है डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग में। तो जो फैमिली है वो तो आपको नेगेटिव बताएगी, लेकिन जब आप आउटसाइडर को बताती हो ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्प करता है स्पेशली फॉर एडल्ट्स। बिल्कुल हम इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। और आपने जो हमें कॉल की, जो कॉलर हमारे साथ थी, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने नोट भी कर लिया अपने पास और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा वो भी इसी मौजू पर होगा, क्योंकि ये मौजू ऐसा है जिस पर बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में भी, बहुत सारी बातें हैं जो हमने भी अभी नहीं की हैं जिनके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता रोशनी डालेंगे, कुछ टिप्स आपसे शेयर करेंगे। वालिदैन बनना अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और बहुत सारे डिफरेंट फेजेस भी हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी आप अच्छा महसूस करेंगे कभी आपको लगेगा कि नहीं, हर तरफ मुश्किलात हैं। तो हम यकीनन इस चीज़ को समझते हैं और इस बात को महसूस भी करते हैं और इसके ऊपर बात भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहिएगा और अगली दफ़ा भी हमारे प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, मज़ीद बातें जो भी आपके दिल में हैं जो आप किसी और से नहीं कह सकते वहाँ यहाँ पर इस प्रोग्राम में शेयर कर सकते हैं, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये जो ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस होते हैं कि हमें कहीं पर भी रोकते नहीं हैं, अगर हम किसी से हेल्प ले लें, मदद ले लें, किसी से मशवरा मांग लें, डिस्कस कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ हल हो जाती हैं। नाज़रीन अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।